जशेकपुर के विधायक सरजू राय ने बागबारा विधायक व लोकसभा प्रत्याशी ढुलू महतो पर लगाया गंभीर आरोप। सरजू राय ने ढुलू महतो पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि करीब 4 दर्जन से ज्यादा गरीबों का जमीन हड़प लिया है, जो अंचल कार्यालय में लंबित पड़ा हुआ है, और जमीन के चारों ओर चार दीवारी भी दे दिया गया है, और कहा जा रहा है कि अपने जमीन पर हेलीकॉप्टर से जाओ तथा गरीबों पर उनके द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि औने पौने दामों में जमीन दे दो। सरजू राय ने कहा कि इसकी जानकारी जिला प्रशासन को भी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की और ऐसे ही लोगों को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। करीब 10 एकड़ जमीन पर ढुलू महतो ने गरीबों के जमीन पर कब्जा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज UNI। मिली थी और मैं उनके पीछे पीछे खड़ा होने के लिए आया था, तो लगा कि उस समय जिस धमकी के विरुद्ध हम लोग आवाज उठा रहे थे, अब वह कार्यरूप में परिणित होने लगा, उसका अंजाम दिखाई पड़ने लगा है। और धनबाद शहर में भय आतंक का वातावरण है, वह वैसे ही घनीभूत है जैसे पहले था, किरदार भी वही हैं, व्यवसायी वर्ग है जिन पर आक्रमण हो रहा है, उनको भयभीत किया जा रहा है, और वैसे लोग जिनके बारे में झारखंड की सरकार ने पिछले 2023 के दिसंबर में भारत सरकार के गृह मंत्रालय को लिखा था कि आप प्रिंस खान नाम के जीव को यहाँ दुबई से प्रत्यार्पण करके बुलाइए, और भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को उत्तर दिया कि उन्होंने विदेश मंत्रालय को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए लिख दिया है। अब 5 महीने होने जा रहे हैं, कार्रवाई कोई हुई नहीं, और परसों के अखबारों में मीडिया के माध्यम से आप सभी ने देखा होगा कि HD रेवन्ना नाम के जो MP थे, जो चुनाव लड़ रहे थे, उनके विरुद्ध महिलाओं पर अत्याचार का अपराध की CDI, तो 3 दिन के भीतर भारत की सरकार ने ब्लू कॉर्नर अलर्ट कर दिया, यानी इंटरपोल को सूचित कर दिया कि कहीं हो पकड़ के इनको लाना चाहिए। तो ऐसा ही ब्लू कॉर्नर अलर्ट भारत की सरकार ने धनबाद में व्यवसायियों को धमका रहे उस अपराधी के खिलाफ क्यों नहीं किया, ये सवाल उठाने के लिए इस बार मैं यहाँ कल आया था, और आया तो चुनाव का सिलसिला है, और भी कई सूचनाएं मिली। एक सूचना तो मुझे चकित करने वाली मिली, जिसको हम लोग आपके व्हाट्सएप पर डाल देंगे, उसका कागज हमारे पास है, और ये सूचना, जो सूचना हम लोगों के पास पहले से थी और पहले भी हम लोग कतरास के पास में जो 2 गांव हैं, लेडी डूमर और दरिदा, वहाँ गए थे और हमने देखा कि जेल से ऊंची चार दीवारी खड़ा करके करीब 200 एकड़ जमीन को वहाँ घेर लिया गया है, और किसान आए थे, वे मुझे बुला कर ले गए, बोले हम सभी डरे समय वहाँ जाने पर 50 परिवार सामने आए गाजे बाजे के साथ, एक एक इंच जमीन घुमा कर उन्होंने दिखाया और कहा कि हम अपनी जमीन पर नहीं जा सकते हैं क्योंकि चारों तरफ से बड़ी ऊंची चार दीवारी दे दी गई है, और यह काम हमारे यहाँ के विधायक महोदय ने किया हुआ है, और हम लोग कह रहे हैं कि अपनी जमीन सस्ते में बेच दो, नहीं तो हेलीकॉप्टर से उस पर जाओ और खेती करो, काम करो अपनी ज़मीन पर। और उन्होंने दरिदा में तो यह भी दिखाया कि आरियो की एक सड़क है, चौड़ी सड़क है, जिस पर उन्होंने गेट लगा दिया है और चारों तरफ से चार दीवारी कर दी है। उस समय उन्होंने मुझे कोई प्रमाण सिवाय इसके खतियान में उनका नाम है दस्तावेजी प्रमाण नहीं दिखाया। कल मुझे एक दस्तावेजी प्रमाण मिला जो वहाँ के कर्मचारी ने, हल्का कर्मचारी ने, सर्किल इंस्पेक्टर ने अपने CO को भेजा है, अंचल अधिकारी को एक रिपोर्ट जांच करके भेजा है वहाँ के कुछ किसानों की शिकायत पर, और 52 लोगों का नाम है इसमें, और उसमें उसका विषय ही उसने दिया है कि विधायक श्री ढुल्लू महतो और उनके समर्थकों द्वारा किसानों की जमीन घेर लिए जाने के संबंध में, और उसने अंचल अमीन से नापी करा के सबके रकबा का तस्दीक किया है, और ऊपर में लिखा ये 2022 का
मामला है 2022 का फरवरी के महीने का है ये। तो अब ये तो प्रमाण मिल गया, अब इस चुनाव से इसका संबंध इस प्रकार जुड़ता है कि विधायक